हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक कॉफी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। कॉफी तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है। मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का हो, फर्क इतना ही रहता है कि गर्मियों में कोल्ड कॉफी पसंद करते हैं और सर्दियों में हॉट। तो आज हम ऐसी कॉफी बनाएंगे, इतने जाग वाली कॉफी बनाएंगे, आप देख रहे होंगे इसमें बेहद जाग बनते हैं। और ये हमने मशीन से नहीं बनाई है, ना ही इसको हमने फेंटा है, ना ही हमने कोई भी ज्यादा मेहनत की है। इसको हम एक सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीके से, आप भी देख कर चौंक जाएंगे कि इतने आसान तरीके से और इतनी जाग वाली कॉफी कैसे बन सकती है। जब आप इस कॉफी को इस तरीके से बनाकर पी लेंगे ना, तो आपको कैफे की कॉफी भी इसके आगे फीकी लगेगी। आप जरूर बनाइए। केवल 2 मिनट के टाइम में बनने वाली बहुत सारे जाग वाली कॉफी का तरीका देखकर तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पतीले के अंदर 2 गिलास दूध डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी, और जब तक हमारा दूध बॉईल होएगा तब तक हम इसके आगे की तैयारी कर लेंगे। आप इसी तरीके से इसको बनाकर तैयार कीजिए, तो आपकी कॉफी जो है 2 मिनट के समय में बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब दूध डालने के बाद में इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। और इसके बाद में हमने यहाँ पे ये 5 छोटे चम्मच शक्कर ले ली है, और इसके साथ में हमने ली है कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं 2 पाउच कॉफ़ी के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास जार वाली कॉफ़ी है तो आप 2 छोटे चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमने दूध भी बड़े गिलास से माप किया है। यहाँ पे 3 से 4 कप कॉफ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये है हमारा कॉफ़ी मेकर, जिसकी सहायता से आज हम कॉफ़ी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी ढेर सारे जाग वाली। तो ये हमने एक पानी की खाली बोतल ले ली है, जो बिस्लरी पानी की बोतल आती है, वो छोटी वाली बोतल है। आप इसकी जगह पे कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले ले, कांच की बोतल ले ले, उसको अच्छे से साफ कर ले। तो अब इस बोतल का हम ढक्कन खोल लेंगे, और जो हमने शक्कर ली है वो पूरी शक्कर हम इस बोतल के अंदर डालेंगे। तो आप चाहे तो इसे कोई भी पेपर का कोन बनाकर इसके अंदर डाल ले, या फिर आप ऐसे जैसे हम इस तरीके से डाल रहे हैं ऐसे आप इसके अंदर पूरी शक्कर डाल ले। इस तरीके से भी आप शक्कर को बड़ी आसानी से डाल सकते हो। आप चम्मच से डालना चाहे तो वैसे भी डाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप पूरी शक्कर डाल लें। और शक्कर की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। अब कॉफ़ी के पाउच को भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो ये हमने 1 पाउच डाल लिया, और साथ में ये हम दूसरा पाउच भी डाल लेंगे। यहाँ पे अगर आप पाउच इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप 2 छोटे चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल इसके अंदर कीजिए, और आप अपनी पसंद के अनुसार इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। कॉफ़ी और शक्कर डालने के बाद में हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि शक्कर जो हमारी एकदम आसानी से भीग जाए और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर रहे। अब बोतल का ढक्कन बंद करके इसको हम सेक करेंगे इस तरीके से। आप टाइम देखकर इसको 1 मिनट तक सेक कीजिए, इसमें बहुत ही बढ़िया जाग बनकर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए इसमें जाग बनने लगे हैं। इसको हमने केवल 10 से 15 सेकेंड तक ही सेक किया है। अब इसको हमें कंटिन्यू 1 मिनट तक सेक करना है, तो इसके बहुत सारे जाग बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा जन के लिए कॉफ़ी बनानी है तो आप थोड़ी सी बोतल बड़ी ले लें, और उसकी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर शक्कर और कॉफ़ी पाउडर डालकर उसमें पानी मिलाकर आप उसको सेक कीजिए, तो भी आप इसको 1 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। खाली उसके लिए हमें बोतल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेना है। और यहाँ पे अगर आपका कॉफ़ी और शक्कर का घोल थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको यूज़ कीजिए, और बाकी का बचा हुआ घोल बोतल के अंदर ही छोड़ दे, और इसका ढक्कन लगाकर आप इसको फ्रिज में रख दे। और जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो आप इसी तरीके से इसको निकाल कर बना सकते हो। इसको हमने 1 मिनट तक सेक करके तैयार कर लिया, इसमें बहुत अच्छे जाग बन गए हैं। तो अब इनको हम जिस कप में हमें कॉफ़ी डालनी है उसी कप में हम इसको डाल लेंगे। तो मैं आपको इसको एक कांच के गिलास में डालकर दिखाऊंगी, तो आपको जाग बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे, इसलिए इसको मैं 1 कप और 1 गिलास दोनों में बराबर मात्रा में डाल लूँगी। ये हमारी यहाँ पे 4 कप कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हमने ये थोड़े बड़े साइज़ के लिए ही, इसलिए मैं इसको 2 में ही डाल रही हूँ। तो जाग तो आपको देखकर ही पता लग रहे होंगे कि इसके अंदर कितने बढ़िया से जाग बने हैं, ये देखिए। अब इसके ऊपर से हम इसमें दूध डालेंगे, तो दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर से डाल लेंगे। इस तरह से कॉफ़ी बनने में हमें केवल 2 ही मिनट का टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और जाग वाली कॉफ़ी बनकर तैयार होती है, और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ये एकदम आसानी से बन जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप इस कॉफ़ी को इस तरह से बनाकर किसी के सामने रखेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये कॉफ़ी मशीन की बनी हुई है या फिर आपने इस तरीके से बनाई है।
कप को एक बार अच्छे से भरने के बाद इसको हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालकर डेकोरेट कर लेते हैं ऊपर से, ताकि देखने में भी अच्छी लगे। इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कितने बढ़िया जाग बने हैं। ये देखिए, इसको हम चम्मच से उठा रहे हैं तो इसमें जाग ही जाग दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया कॉफी बनी है। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म कॉफी बनकर पीने के लिए तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है ये आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको आज की ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।